सो वेलकम फ्रेंड्स टू दी अनादर वीडियो। तो आज अपन खेलने वाले गेटिंग ओवर इट, और मैं खेलते खेलते ही बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखा खेलना स्टार्टिंग से। फर्स्ट टाइम जब मैं खेल रहा था, जैसे कि फर्स्ट टाइम का नज़ारा बताता था, जैसे अभी तो नहीं ये है। अरे वापस चल, फर्स्ट टाइम कैसे खेलता था मैं, अभी जैसे ओपनिंग हुई ठीक है यहाँ से, तो ऐसा कुछ ऐसे इसी टाइप का देख लो। इतना जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल भी, मतलब किसी को भी नहीं जमेगा, कोई भी हो, फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता लिटरली। और फर्स्ट टाइम में मेरे को लिटरली ये तो जल्दी हो गया था, वैसे ये पार करने का बहुत टाइम लग गया था, ये भी टाइम लग गया था, वैसे 5-6 मिनट लग गए थे पार करने को, पर इससे भी ज़्यादा टाइम लगा था ये वाला पार्ट पार्ट करने को। ये पार्ट पार्ट करने को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हर एक को। यहाँ से मतलब स्किल्स डेवलप होने की स्टार्ट होती है, जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे करते हुए यहीं से सीखना स्टार्ट होते है, क्योंकि यहाँ पे हैमर का कंट्रोल स्टार्ट करना पड़ता लाना, नहीं तो कुछ भी नहीं जमता। अरे इधर भी अटक जाता है। और ये वाली व्हील, ये वाली बाहुबली वाली व्हील, सबसे ज़्यादा टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में। ऐसा लगता था जैसे कि गॉड है अपन, जैसे कि ये कंप्लीट कर लिया था। हर एक बंदे को लगता था कि ये वाली लेवल जैसी पार कर दी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में, तो ऐसा लगता भाई साहब अपन ही भगवान है, यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, यहाँ तक पहुँचना। ओके लेट्स प्ले। और फर्स्ट टाइम में कोई यहाँ तक पहुँचने में लिटरली 1-2 घंटे लग गए होंगे, और एक ही बार पूछा तो इतना खुश हुआ। और जैसी और ये वाला पार्ट करने में मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लगा लिटरली, ये वाला जो ये है ना, इसको करने में यहाँ तक के पहुँचने में मेरे को इतनी डिफिकल्टी जा रही थी, ऐसे बैठ के आराम से, फिर ये ऐसे पुश करके, फिर ऐसी ऐसी करते करते वापस नीचे गिर रहा था लिटरली, याद है मेरे को अभी भी। और यहाँ से फर्स्ट टाइम में गिरा था मैं फटाक से, पता नहीं कैसे। और अब बात आ सबसे ख़तरनाक चीज़ जो कि है ये अभी तक की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ऐसा लगता था अगर यहाँ से गिरा मैं तो कभी ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा मैं, लिटरली ऐसी फीलिंग आती थी मेरे को जब भी ये करने का टाइम आता मेरे को। हर एक ऐसा लगता था यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल है, इससे ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। और इसको करने में मैंने लिटरली 4 से 6 घंटे बिता दिए होंगे ये कंप्लीट करने में, ये वाला पार्ट लिटरली, सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके और इतने बार ट्राई किया मैंने ये वाला पार्ट करने के लिए, सोच भी नहीं सकते। अब टेक्निक पता चल गई, अब इतना हार्ड नहीं रहा वो। ऐसे गिरना तो नॉर्मली था हाँ, जब तक कि उंगलियों में कंट्रोल नहीं रहा ना, तो तब तक के तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है खेलने में, मतलब कंट्रोल्स ही नहीं आते हाथ में। ओके वापस ही आ गया। अरे नॉर्मल, ऐसी कुछ हालत होती थी फर्स्ट टाइम में खेलते समय, अभी भी वही हालत हो रही शायद। ठीक है अब बहुत नाटक हो गया। हाँ अब ये वाला जब मैंने फर्स्ट टाइम करने की ट्राई किया तो मेरे को लगा नहीं था ये कभी कंप्लीट हो भी सकता, लिटरली सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। और मेरे को यहाँ पे चढ़ना ही, मतलब यहाँ तक के चढ़ना ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था लिटरली, फर्स्ट टाइम में सच्ची में बहुत डिफ़िकल्ट लगता, कोई भी पार्ट हो लिटरली हर एक पार्ट डिफ़िकल्ट लगता फर्स्ट टाइम कोई भी करें। जैसे अगर आदत हो गई तो लगता क्या इतना ईजी पार्ट है कोई भी कर लेंगे, तो फर्स्ट टाइम वाले को ही बता रहता कि फर्स्ट टाइम करना कैसा रहता। फर्स्ट टाइम में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहती, और जैसे जैसे प्रैक्टिस में आते ऑटोमेटिक वो हैंड पिटते जाता उसके अंदर। और ये वाली जंप भाई, कभी मैंने सोचा नहीं था मैं एक जंप कर भी सकता, मतलब अभी भी नहीं सोच रहा ये कर पाऊँगा मैं नहीं कर पाया, मतलब ये वाली जंप मेरे को लगा ही नहीं कभी हो सकती किसी से भी कंप्लीट। और मोबाइल पे तो जस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, शायद पीसी से तो भी हो जाएगा, अब ट्राई करता रियलिस्टिकली। अरे
ओके, तो ये वाली जंप लिटरली, ये तो ठीक है, पर ये करने में मैंने कितने घंटे बिता दिए। लिटरली मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च मारा था मैंने खुद से कि ये वाला ये कैसे कंप्लीट करूँ, मैं ये वाला पार्ट भी बताऊँगा फ्यूचर में। मैंने बताया मैंने हाउ टू कंप्लीट के अंदर वीडियो में, इसको इतना ज़्यादा गोल गोल घुमाया मैंने हैमर, अब तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं, डायरेक्ट स्केयर स्किप करके ही जाता ये करने में। और सबसे उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये वाला, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता था मेरे को, ये जस्ट लाइक इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, मतलब वो भी मोबाइल पे। ओ भाई ये तो नामुमकिन ही, ऐसे लग रहा था मेरे को लिटरली फर्स्ट टाइम। और फिर मैंने इसको बहुत बार गिर चुका हूँ, मतलब बहुत बार, इतना गुस्सा आता था ये पार्ट करने में। और उस टाइम उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया खेलना, यहाँ तक के पहुँचा था मैं मुश्किल में फर्स्ट टाइम में, और इसके बाद खेलना छोड़ दिया 3-4 महीने के लिए तो लिटरली क्योंकि मेरे को लगता ही नहीं था कि ये पार्ट हो पाएगा। और फिर एक दिन में, मतलब 2-4 दिन, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसे गलती से पहुँच चुका था, गलती से लिटरली ट्राई करते करते। और वैसे भी वो वाला नीचे वाला पार्ट स्लाइड वाले नहीं हो पा रहा था मेरे से फर्स्ट टाइम तो। और फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जंप भाई साहब नामुमकिन लगती थी मेरे को, ये वाली जंप कैसे कोई कर लेगा भाई। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मतलब हैमर के ऊपर कंट्रोल, अगर हैमर के ऊपर एक बार कंट्रोल आ गया ना किसी का तो कोई भी जंप इजीली ले सकते। लेट्स डू इट, ये वाली जंप मेरे को लगता नहीं था कि कभी हो पाऊंगा, हर बार यहाँ पे टक्कर हो जाती थी नहीं तो कुछ ना कुछ गिरता ही था मैं। और इस और ये वाला, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ तक के पहुँचता था, रुको मैं दिखा था, ऐसा टिक गया तो ऐसा लगता था अपन ही भगवान है लिटरली। यहाँ तक के भी पहुँचना बहुत डिफिकल्ट रहता रियल फर्स्ट टाइम जो भी करना। और फिर ये कुछ ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे ट्राई करता था मैं वैसे तो। और फिर ये पार्ट जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये पार्ट मैं कर भी पाऊंगा कभी, ऐसा लगता है मतलब नामुमकिन ही है, मतलब फर्स्ट टाइम में लिटरली सब कुछ नामुमकिन लगता, जो भी पार्ट देखो नामुमकिन ही लगता। और जैसे जैसे मेरा हैमर कंट्रोल में आते गया, मतलब 7-8 घंटे लगा दिए तब जाके हुआ फर्स्ट टाइम में कंप्लीट मेरा। और ऐसा नहीं है मैंने 8 घंटे में फर्स्ट टाइम में कंप्लीट कर लिया था, मतलब एक और बार था, उससे पहले मैंने एक बार डिलीट कर दिया था गेम को उस टाइम, उसको बताया नहीं मैंने फर्स्ट टाइम उसमें कभी कभी किया ही नहीं था मैंने, इसी में किया है मोबाइल में। और एक बार डिलीट कर चुका हूँ, और उस टाइम में शायद स्टेयर्स तक की पहुँचा था। और जब मैं यहाँ से पहुँचा तो ये तो भाई सबसे गंदा पार्ट है, रियली लाइफ का सबसे बुरा पार्ट है, इससे तो मैं 1000 बार गिर चुका हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं ये कर पाएंगा, मेरे से हो पाएंगा ये पार्ट, लिटरली नामुमकिन लगता मेरे को ये पार्ट लिटरली, कोई कैसे कर लेगा कुछ भी, मतलब ये पार्ट किसने बनाया उसके ऊपर गुस्सा आता था। और यहाँ से गिरने के बाद इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस लॉस होती है कोई सोच भी नहीं सकता, उसके बाद तो किसी की भी इच्छा नहीं होगी एक बार यहाँ से कोई गिर गया तो, मतलब ये कहो ये कभी मैं करूँगा कोई भी नहीं सोचेगा, अगर यहाँ पे से अगर कोई गिर गया ना तो खेलने ही छोड़ देंगे गेम हर एक बार मैंने भी छोड़ दिया था वैसे यहाँ इस पार्ट के बाद डबल से मैंने 1-2 महीने छोड़ दिया था गेम खेलना ये वाला, गेटिंग ओवर इट। और एक बार मैं गलती से वरा यहाँ पे पहुँच चुका था यहाँ से, और यहाँ का पार्ट कैसे होगा नामुमकिन, मतलब ये लिटरली नामुमकिन लगता था। ये देखो इतना लंबा पत्थर, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं लिटरली, ये कितना लंबा पत्थर और मैं कैसे कर पाऊँगा इतने, और वहाँ तक के तो मेरा हैमर भी नहीं पहुँचता, कैसे कोई कर पाएगा। और उस टाइम इतनी लंबी जंप मेरे से नहीं हो पाती थी, मतलब प्रैक्टिस लगती है जंप को, जैसे ये जंप करके दिखाता मैं, ये इतनी लंबी जंप किसी से भी नहीं होती थी। ओके, उतनी लंबी जंप किसी से भी नहीं होती थी, और वहाँ पे रुकना सही नहीं है, मतलब ज़्यादा देर तक के। ओके, वापस चलते, उतनी लंबी जंप मतलब किसी से भी नहीं होती थी, मतलब नामुमकिन है। और हर बार जैसी वो जंप लूँ वैसे में गिर जाता था जैसे अभी गिरने वाला था। ओके, धीरे धीरे चलते जाओ, और वहाँ तक की जाना मेरे को लिटरली नामुमकिन लगता था। तो मैंने एक बार ऐसी जंप लेते जल लेते लेते मैं गलती से ऐसे, मतलब ऐसे हो गया, मतलब देखो
ऐसे रुक गया था जंप लेते लेते, और तब मेरे को एक टेक्निक पता चली बिगिनियर्स के लिए कि वो ऐसे कर सकते हो, ये स्लिप हो रही, इसका पसीना कितना गिर रहा नीचे। ओके रुक गया, तो अपन यहाँ से धीरे धीरे करते हुए, ऐसे करते हुए गेटिंग ओवर इट को कंप्लीट कर सकते, एकदम स्लोली स्लोली। फर्स्ट टाइम तो हर एक जन स्लो ही करेगा। और थोड़ा सा ऊपर, ओके, और यहाँ से आराम से करते हुए पार्ट को इजीली, भाई साहब एकदम भगवान टाइप सा। फर्स्ट टाइम जब कंप्लीट किया था तो ऐसे किया था मैंने गेटिंग और इट का ये वाला पार्ट, और गिरा भी हज़ार बार गिरा हूँ मैं, लिटरली बहुत बार गिर चुका हूँ, तब जाके मेरे को इतना परफेक्ट जमता अभी के लिए। और अब तो ऐसे ही कर लेता, ओ ओके, अब तो ऐसे करता धीरे धीरे। ये वाले रॉक्स अभी भी स्लीपर ही है, अभी यहाँ पे मोबाइल से तो फटाफट नहीं कर सकते, ये रॉक्स सच्चे में स्लीपर ही है। भले ही मैं 50-60 बार कंप्लीट कर दूं, पर ये रॉक्स स्लीपर ही है वैसे, यहाँ पे मेरे को वेट करना ही पड़ता। ओके बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे करना पड़ेगा, जब भी नर्वस होता मैं गिरता ही लिटरली। यहाँ से अब मैं डायरेक्ट ही जंप ले सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ से वहाँ तक किसे जंप होंगी लिटरली, पर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, तभी जाके मतलब परफेक्टली उसी जगह पे उसी टाइम पे मतलब ये हो सकता है, हैमर फिट होता, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस लगती, तब जाके ये परफेक्ट हुआ। और कोई कोई बोलता है मतलब 6 महीने 7 महीने हो गए शायद, नहीं अभी तो शायद 1 साल हो गया होगा वो वीडियो को, वो बोलता है आप पहले सीख के आ जाए वीडियो कैसे खेल रहा, अब पूरा वीडियो नहीं देखते स्टार्टिंग से ही, मतलब पूरा अभी उसको शायद 30,000 व्यूज़ हो गए वो वीडियो को, हाईएस्ट व्यूड वीडियो है मेरा अभी तक का वो। और यहाँ से मैं गिरा नहीं लिटरली, यहाँ जब फर्स्ट टाइम आया ना मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कंप्लीट कर लिया, और इतना डरा हुआ था मैं यहाँ से गिरना जो बोल के, और यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ओए तो यहाँ तक के पूछने के बाद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल स्टार्ट हो रही थी मेरे को, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और इस आवाज़ से तो कोई भी नहीं डरता लिटरली, अगर किसी ने हेडफोन ना पहने और फुल वॉल्यूम ना हो तो ही। तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, पर फर्स्ट टाइम पहुँचा था मैं तो हो चुका था, मैं गलती से हो चुका था, तो ये होने के बाद ये इतना मतलब 10-15 मिनट लगे थे वो करने को मेरे को कंप्लीट वो वाला पार्ट। ओके अब आया सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, ये वाली जंप, ये वाली जंप सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता लिटरली, ऐसे जंप वाली वीर मतलब बहुत बार मैं ऐसे गिर चुका हूँ, लिटरली नामुमकिन लगती है जंप मेरे को फर्स्ट टाइम जब मैं खेल रहा था। ओके अभी भी नामुमकिन है क्या? 1 सेकेंड, बहुत ही परफेक्ट एंगल चाहिए जंप के लिए तभी जाके ये सक्सेसफुल होती, नहीं तो बहुत बार गिर चुका हूँ मैं। हाँ और ये पार्ट मेरे को वहाँ तक पहुँचने के, मैं फर्स्ट टाइम में ट्राई में ही पहुँच चुका था मैं, ऐसे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी यहाँ तक पहुँचने में। और ये वाला पार्ट झूठ नहीं बोल रहा, फर्स्ट टाइम ही कर लिया था क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग गया था वो फर्स्ट पहले के पार्ट करने में, ऑरेंज हेल्थ वगैरह वगैरह, तब तक कि मेरा हैमर थोड़ा बहुत सेट हो चुका था, और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया फर्स्ट टाइम में हो गया ये वाला स्नोबॉल वाला पार्ट, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और तब मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, मतलब स्लो लो ऐसे स्लो स्लो जा रहा था ऐसे स्लो। ओके और मेरे को पता नहीं था कहाँ कहाँ पे स्नोबॉल से फर्स्ट टाइम में, तो भी गलती से पहुंच गया मैं और इस ये वाले बॉल पे, और ये वाले बॉल पे अगर गलती से पहुंच गए तो इजी है जाना, इतना डिफिकल्ट नहीं। नो गलत हो गया मेरे से, उफ
इजी है बोल के गिर गया। बेसली पुरु बेस शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो गया मेरे से। इसने आ गए वापस। तो यहाँ से फर्स्ट ट्राई में हो गया था लिटरली मेरे से, मेरे को भी नहीं पता कैसे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा था, बहुत स्लो स्लोली कर रहा था उस टाइम में। और ये होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट जंप और पहुँच गया यहाँ पे, और मैंने क्विट कर दिया खेलना यहाँ से, मतलब छोड़ दिया क्योंकि ये बट नामुमकिन, मतलब एल में को एक एक पार्ट करने को 2-4 दिन, 3-4 दिन ऐसे समझ लो लग गए कंप्लीट करने को। ये बकेट मेरे से हो ही नहीं रही थी कंट्रोल, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल टाइप से लग रहा था ये बकेट के ऊपर चढ़ना। ओके बहुत लंबी नामुमकिन। हाँ ये बकेट सच्ची में डिफ़िकल्ट थी उस टाइम, अब थोड़ी सी इजी है, सिर्फ जब के ही लेना। ओके और इसको 1-2 साल होने के बाद मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब कर चुका था, मतलब एवरेज 3-4 घंटे लग गए थे ये करने में, मतलब एक एक दो दो तीन चार दिन दिन छोड़ छोड़ के नामुमकिन सोच। और ये वाला पार्ट 6-7 घंटे लग गए समझ लो, ये पार्ट नामुमकिन। ये मेरे को मैंने 3-4 6-7 दिन लगा दी थी का पार्ट कंप्लीट करने में, हर एक पार्ट कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा था मेरे को लेट सीखने में। ओके अब बहुत हो गया, टक से अब वीडियो एंड करते, बहुत लंबा वीडियो बन गया, पकड़ ले किधर तो भी। ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट लगता था मेरे को उस टाइम, टेक्निक्स एक बार पता चल गई नहीं तो बहुत इजी हो जाता गेम खेलना। ओपे अबे स्लिप प्रू तो टेलीफोन टावर को भी बहुत टाइम लग जाता, बहुत टाइम लगा था फर्स्ट टाइम कंप्लीट करने में, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था मैंने खेलना फिर से, हर एक पार्ट में मैंने छोड़ छोड़ देख देख के कंप्लीट किया है, लगता नहीं था पॉसिबल है कोई भी पार्ट मेरे लिए। ओके अब बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा मैं, कर लेते अब ये पार्ट भी कंप्लीट। ओके बैठ गया, स्लो वे में करेंगे अपन सबसे ज़्यादा, जब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे किया था कंप्लीट मैंने। इश तो फाइनली कंप्लीटेड, थ्री टू वन गो, हो गए गेटिंग ओवर इट कंप्लीट। यूपी कोई तो भी स्टोन आ जा, थोड़ा सा लेफ्ट
थोड़ा और लेफ्ट। ऐसे करते क्या हो पाएगा? हाँ शायद टाइम और जाएगा। ओके हो गया। हाँ फाइनली कंप्लीटेड गेटिंग ओवर इट। कितना टाइम लगा वैसे अपने को बात करते करते खेलने में? 20 मिनट्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। लेट्स गो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 500 में माइनक्राफ्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, होने वाले 500 सब्सक्राइबर। तो लेट्स गो।